हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जगन्नाथ। मु अमरेन्द्र साहू आपनको स्वागत करुछी आज दमदार खबर रे। एमिति जिनिस एई भिडियो देखिबे जहा आपनको इनकम करिवारे मोटिवेट करिवारे आ प्रेरणा देबो बहुत। आउ तीनोटी जिनिस नुवा सर्विस आसीजी आपनको लक्ष्यपति भी बने दे पारे। एक कथा मु कहुनी सीएससीआईड रु सीएससी रु हेड अफिस् दिल्ली रु ए मीटिंग रु आसीजी लास्ट पर्यंत देखंतु सबु जिनिस जानिपारिबे कोन करिवे नाही जोंतबे सीएससीआईड आपन भी रद्द हो जाई पारे। कारण कौन समय भी आपण सेंटर को जाकि जांच करें कस्टमर साजिकी तो से केयरफुल रुंतु। तापर वीडियो को लास्ट पर देखु स्किप न करपर सब बड़ कथा है कौन एर यही वीडियो जी भी देखा चाहते प्रथम वीडियो सब पाइबा मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखर थी बेल आइकन को दबे दिखाँ ताकि जो जो वीडियो आगे छाड़ी आपण पाखे पहुँच जीव जो दिखेगा ना और सीखेगा ना जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा भी नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट गो। फर्क है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल जीत लेंगे जी कभी। ओ गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। सी एस सी मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट छोड़ के हजार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के नया हिंदुस्तान। सीएससी मेरी पहचान। 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में काम कर रहे हैं। इनमें काम कर रहे करीब 10 लाख युवा गांवों को ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। आउ गोटे कथा, सीएससी सेंटर आउ डिजिटल सेवा छतु भाया मार्केट फुटिगला। सब जिन आगे जानक आगे सब देख शिखा पड़ो से चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँ जहाँ आसो आगे आपची आपन देखिए किसी दरकार नहीं गोटे चैनल सब जिन पारे। ता सहित जदि आम किसी नुआ नुआ करूँ कि भूल भाल त्रुटि रही हो दयाक संशोधन कर सान भाई भाविक क्षमा करदे। नमस्कार। वीडियो को देखा बारंबार ये आपको कहूँ जे सीएससी को छाड़ी आहरी बहुत गुड़े योजना इनवल्व अच्छी जोटा आपन को अच्छा खासा इनकम कर सुजोग दबो। ता सहित जो मैंने घर बसिकी सीएससी नौ चाहते कि बैंक काम करा चाहते वीडियो को शेष पर्यंत देखु आ डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी तुरंत कॉल करूँ। नमस्कार। The digital revolution in our country is developing faster than the sound of thought. We had barely gotten used to carrying the world in our cell phones, and now farmers are using drones for farming and phones for banking. Hamari safalta khud ke dam par hai, kisan ho ya chahe vyapari, desh hamara aatmanirbhar hai. This is the picture of a new India on the fast track. Digital Bharat, Atmanirbhar Bharat. The tableau of the Ministry of Electronics and Information Technology. Now from the Ministry of Labour and Employment for Labour Codes. The tableau shows the segments benefiting the most from the Labour Codes. नए भारत में काफी कुछ नया हो रहा है और देश बदल रहा है, उसी को दर्शाती झांकियां प्रतिभागी डेलीगेट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत सीएससी एसपीबी की तरफ से। और
देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सप्ताह भर का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल स्पेस में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। किस तरह से ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हर क्षेत्र को बदल रही हैं, किस तरह से ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण को प्रभावित कर रही हैं, किस तरह से ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एक आम नागरिक को सशक्त, सबल बना रही है, स्वावलंबी बना रही हैं और एक समावेशी समाज का निर्माण कर रही हैं, ये सभी इस महोत्सव में प्रदर्शित किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। आज इस उत्सव का चौथा दिन है और ये दिन समर्पित है CSEs को, हम सभी VLEs को। आप सभी VLEs जो नागरिकों को और विशेष रूप से ग्रास रूट लेवल के जो नागरिक हैं, उन्हें आप सबल बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रदान कर, G2C सर्विसेज प्रदान कर, और इसी की तरफ आज का ये उत्सव है, ये जश्न है। आपकी जो संकल्प है, जुनून है, आपकी उल्लेखनीय जो यात्रा है, इसको इस दिन हम दर्शा रहे हैं। साथ साथ आपको सम्मानित भी किया जाएगा आपके प्रयत्नों के लिए, आपकी कोशिशों के लिए। और इसके अलावा एक चर्चा के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से आप VLEs और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं डिजिटल इंडिया मिशन को पूरी तरह से साकार करने की तरफ। और काफ़ी सारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें भी आज लॉन्च किया जाएगा CSE द्वारा, उसके बारे में आपको और जानकारी भी दी जाएगी। जो पहले से हमारी सर्विसेज चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी आपको सेशंस में। और आज का जो एक विशेष अट्रैक्शन रहेगा वो डेल टेक्नोलॉजीज़ और वोडाफोन जो मोबाइल वैन्स शुरू करने जा रहा है CSE SPB के साथ, वो लॉन्च की जाएंगी। और हमारे साथ इस सभागार में कुछ 2000 से ज़्यादा VLEs यहाँ पर उपस्थित हैं और दिन में भी लोग आते रहेंगे, तो और बहुत ही उत्साहित, तो बहुत ही जोशीले VLEs। तो आप सभी की तरफ से हम हमारे मंजसीन, हमारे अतिथिगण, हमारे विशेष अधिकारीगण, उनका स्वागत करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंजसीन सभी हमारे गणमान्य जन उनका स्वागत करें। और इसकी तरफ हम एक विशेष पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, ये इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 सिनर्जीज फॉर ग्रोथ एंड गवर्नेंस है। तो सबसे पहले श्री अजय प्रकाश सानी जी का, हमारे माननीय सचिव मीटिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम का ही आगाज करते हैं, ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर। और श्री अजय प्रकाश साहनी जी, आज के हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो CSE को समर्पित है, उसके शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ। CSE एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस, जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए CSE को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्री टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको EPF में अगर रजिस्ट्रेशन करा वो भी करोगे, ESIC कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर 40। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग आई एम श्योर ई श्रम कर रहे हैं और 8 करोड़ नंबर पिछले 100 दिनों में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने भी ये नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पहले एक महीने में या अगले ओवर द टाइम 100 दिनों में हम 10 करोड़ का टोटल और 8 करोड़ का CSEs के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सो जैसे हमारा एक हैशटैग है, ओनली CSE कैन डू इट, सो दिस इज फॉर यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर ईश्रम।
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आप लोगों ने बहुत काम किया है और आप अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इस पे करेंगे. ईश्रम में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है. हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जस्ट टू रिपीट कि कुछ VLEs जो अगर उसमें कुछ गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियों का ध्यान रखें, वो ना करें. गलती नंबर एक जो मेजर मिस्टेक हमारे पास आ रही है कि आप एक ही मोबाइल नंबर पे बहुत सारे लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, प्लीज वो मत करिए. हमारे पास वो आपकी CSCID के अगेंस्ट में प्रॉपर डिटेल्स हैं कि आपने एक एक नंबर पे 100-100 लोगों को रजिस्टर कर दिया है. बिकॉज दिस डेटाबेस इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट. इन द फ्यूचर मेनी सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड थ्रू दिस डेटाबेस और आप उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. तो जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं प्लीज अनऑर्गेनाइज वर्कर का ही करिए, अपना मोबाइल नंबर या किसी और मोबाइल नंबर को मत यूज करिए. दूसरा पॉइंट जो है अकाउंट नंबर, उस पर वैलिडेशंस लगी हुई हैं. अभी आप चार से ज्यादा मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते, एक मोबाइल नंबर चार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी और उसी तरीके से अकाउंट नंबर भी यूनिक है. मेक श्योर कि जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हैं 123 193 00, ये सब मिस्टेक्स मत करिए. प्रॉपरली उसका अकाउंट नंबर चेक करके ही उसमें एंट्री करिए. मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी कर देते हैं बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा. उसमें प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से. मिनिस्ट्री इसमें बहुत प्रोएक्टिव है. वो जितनी भी मिस्टेक्स आपकी तरफ आपने करी हैं वो उसको कोलेट कर रहे हैं, हमें बार बार भेज रहे हैं, हम भी उस पर एक्शन ले रहे हैं और आने वाले टाइम में उसमें और भी जो उसका एक्शन है वो मिनिस्ट्री की तरफ से या CSC की तरफ से वो लिया जाएगा. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल एंटरिंग द डेटा इन द ईश्रम. कुछ VLEs अपनी IDs भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वो भी आप मत करिए. अपनी ID अपने पास रखिए. अगर आप अपने ऑपरेटर्स को भी इनेबल कर रहे हैं, कल को हम ये नहीं सुनेंगे कि आप बोलेंगे कि मेरा ऑपरेटर था उसने बाय मिस्टेक गलती कर दिया, ये नहीं चलेगा. अगर ऑपरेटर है, आपने उसको क्रिएट किया है, टोटली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू हैव टू मेक श्योर अगर वो किसी तरीके से कोई गलत एंट्री कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ VLE, आपको उसका ध्यान रखना है. और आप ही अगर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई होगा सो इट विल कम ऑन यू ओनली, सो यू हैव टू मेक श्योर. नेक्स्ट इज कि हमने एक क्रिएटिव बना के आपके साथ शेयर किया है जिसमें कुछ रेट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है. आपको पता है CSC उसको आपको 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट क्रेडिट करेगा. कुछ किया है, कुछ आने वाले टाइम में हम करेंगे. वी आर वर्किंग ऑन इट. वेरी सून दैट नेक्स्ट पेमेंट विल ऑल्सो कम टू यू, आपके वॉलेट्स में वो क्रेडिट हो जाएगा. वो हम उस पर काम कर रहे हैं. बट आपको उसके लिए जो एंड यूजर है उससे कोई चार्ज नहीं लेना है. अपडेट का उसका रेट डिफाइंड है. सो एक प्रॉपर हमने उसका चार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है. प्लीज उस चार्ट को आप अपने अपने CSC पे लगाइए, उसके जो प्राइजेज हैं वो डिस्प्ले करिए ताकि उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए. बहुत जल्दी हर स्टेट में जो मिनिस्ट्री है और स्टेट डिपार्टमेंट्स है वो विजिट्स करेंगे CSCs पे कि कुछ इस तरीके की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है. तो आप प्लीज इंश्योर करिए कि कोई भी जो अभी मैंने जो लिस्ट डाउन किया, जो आपको बताया, ऐसी कोई भी जो मिस्चीफ एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो प्लीज इमीडिएटली उसको बंद करिए और उसको आप कोई भी ऐसा काम ना करें. ये ईश्रम के बारे में है. आई एम श्योर आपको प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच मानधन. प्लीज रजिस्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द मानधन ऑल्सो टू सिक्योर देयर फ्यूचर एंड दे विल गेट 3,000 रुपीज ऑफ मिनिमम पेंशन. कैन एक्सपेक्ट कि आप सब लोग ये मानधन भी करेंगे ईश्रम के साथ? एक बारी जोर से प्लीज. परफेक्ट. ईश्रम सब लोग कर रहे हैं? परफेक्ट. तो आप मानधन भी प्लीज उसी पेज से करिए और जो लोग आपके पास आ रहे हैं दिस इज एक्स्ट्रा इनकम फॉर यू और 30 रुपए आपको उसमें एडिशनली मिलेगा. तीसरा स्कीम, जो लास्ट स्कीम मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, PM स्वनिधि के बारे में. PM स्वनिधि 10,000 रुपए का लोन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको देता है. सुबह भी HDFC टीम ने उसके बारे में आपको बताया. PM स्वनिधि में HDFC के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा 150 रुपए का.
150 रुपीज ऑफ एडिशनल बेनिफिट, और उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बैंक में HDFC बैंक एज अ प्रेफर्ड बैंक डालना है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वही उसी पोर्टल पे जाना है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ उसमें आपको प्रेफर्ड बैंक में HDFC बैंक डालना है। 25 रुपए आपको उसी टाइम उसके रजिस्ट्रेशन के हम एडिशनली पे करेंगे, 25 रुपए उसके अगर वो लोन सेक्शन हो जाता है, और 100 रुपए उस लोन के डिस्पर्सल पे, तो 150 रुपए 150 रुपीज एडिशनल इनकम। जैसे सर बोलते हैं अगर आप इसमें करेंगे तो दिस विल मेक यू लखपति, अगर आप इस पे काम करेंगे तो बड़े आराम से लखपति बन सकते हैं एक महीने में। तो पीएम स्वनिधि इज अ वेरी गुड स्कीम, आप उस पे जाइए, उसको देखिए, और वहां पे प्रेफर्ड बैंक में अगर आप HDFC सेलेक्ट करेंगे तो ओवर एंड अबव जो है आपको 150 रुपीज का उसमें इनकम जनरेट होगा। दीज आर द 3 मेजर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बोलूंगा कि आप ईश्रम के साथ में मानधन और पीएम स्वनिधि को साथ में लेके चलिए। सो दिस इज अबाउट दीज 3 स्कीम्स। एनीथिंग एल्स सर? फाइन, थैंक यू सो मच, कीप डूइंग द गुड वर्क, थैंक यू। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि मैं जितना वीडियो अपलोड करूंगा फर्स्ट आपको पता चला जाएगा। इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी और एक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल।